एक गल करना है कि राजनीति एक विचारां दी जंग है, विचारधारा दी जंग है। एक विचार लैके एनडीए चल रहा और एक विचार लैके यूपीए चल रहा है। अज जो भयंकर हार होने वाली है यूपीए दी, एक हास्यपद व्यक्ति दे नेतृत्व दे कारण, उस कारण उन्होंने राजनीति नूं इन्ने निचे स्तर ते लै गए ने कि चिंता होने वाली है कि कांग्रेस का कल्चर की बन गया है। कि ये वही कांग्रेस है आजादी वाली, पंडित नेहरू वाली, कि कांग्रेस को गुंडे और इस प्रकार दे एंटी सोशल एलिमेंट्स की कांग्रेस है। शादियों असी देखिया कि कुछ भांड हुंदे ने, वो कुछ हरकतां करदे ने और लोगों का मनोरंजन करते ने और उस तो बाद उन्होंने पैसे मिलते ने। ऐसा एक भंड जिहड़ा अफसोस लगता है कि पंजाब की राजनीति च आ गया नवजोत सिंह सिद्धू है। ये भी एक ऐसा भंड है, वो गिरगिट है क्योंकि रंग बदलता है, निजी स्वार्था के करके अलग अलग रंग बदलता है और बरसाती डड्डू भी है, गुमशुदा हो जाता है। अज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो गुमशुदा है, अमृतसर आके देख लो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वोट लाए उतो गुमशुदा है, अज पंजाब चो भी गुमशुदा है। क्योंकि कांग्रेस तो मैं लगता है कि कैप्टन अमरिंदर बहुत समझा चुके, बहुत लताड़ चुके, कई बार गुस्से दे नाल भी उन्होंने अपमानित भी किया है, पर इस व्यक्ति नू समझ और अकल नहीं आई है। और यही कारण है कि अज कांग्रेस ने उन्होंने प्रवास के उत्ते केरला भेज दिता है और केरला जाके यो व्यक्ति है जो खांदा भारत की है और गांदा पाकिस्तान की है। ये बॉर्डर पार जाके भूल ही जाता है कि दा पालन पोषण किन्ने किया, इनू जे अज प्रसिद्धि मिली है वह किन्हां दे कारण मिली है। चापलूसी करके वो जनरल बाजवा जिहड़ा कि आतंकवादियों का सरगना है, निर्दोष नागरिका और निर्दोष फौज के जवानों के खून के नाल हथ रंगे ने, अपने निजी स्वार्थां दी पूर्ति दे लई अलिंगन करन तो बाज नहीं आंदा। यह गुलाम कश्मीर का जिहड़ा राष्ट्रपति है या वह गोपाल सिंह चावला जिहड़ा आतंकवाद समर्थक है, होर किसे नाल गोपाल सिंह चावला, इहदे नाल ही यह सब कुछ हुंदा है और उहदे नाल भी गलवकड़ियां पाउण तो बाज नहीं आंदा। यह पाकिस्तान ही जा के जीवे जीवे पाकिस्तान दे नारे लांदा है। मैं उन्होंने चैलेंज किया कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार सिद्धू लिखो, गद्दार नवजोत सिंह सिद्धू किसी एक पाकिस्तानी तो जीवे जीवे हिंदुस्तान का नारा लगवा के देख ला दिखा दे और बाज फिर नहीं आ